तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बायोग्राफी को लेकर ही आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में ये वीडियो होने जा रहा है जिसने प्रूव करके दिखाया कि जीवन में तरंगों के साथ लहरों के साथ तो कोई भी बह लेता है, लेकिन असली क्षमता उस व्यक्ति की मानी जाती है जो प्रवाह के विपरीत अपनी तैरकर क्षमता को दर्शाता है। अकेला एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे जीवन काल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ी, विरोध किया और जातिगत भेदभाव को खत्म करवा के समाज के अंदर संविधान में बराबर का अधिकार दिलवा गया। अगर ये व्यक्ति हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होता तो आज के दिन अपने हिंदुस्तान के अंदर भी सैकड़ों लोग आपस में लड़ रहे होते और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विरोध करते जाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके लड़ाई लड़ी और ऐसी परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी करी जो परिस्थितियों में लोग जीवन की हिम्मत हार जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, उन परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद में हर वो डिग्री हासिल करी जिसके अंदर ये अपने रहकर अपने आप को और अपने देश को पर्याप्त रूप से परिवर्तन कर सकते थे। और धीरे धीरे आने के बाद कहीं तो एक तरफ ये था कि बराबरी का अधिकार नहीं देते थे और कहीं पर पूरे देश के अंदर संविधान की रचना करने तक के अंदर भीमराव अंबेडकर साहब का मुख्य रोल रहा। तो आज हम इन सभी चीजों को जानेंगे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे देश के लोगों के लिए जो आज भी मंद बुद्धि हैं और बिना बात की गलत अवधारणाओं को फैलाने का प्रयास करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर साहब से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहली है इनके जन्म से रिलेटेड कुछ जानकारी। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था मऊ जिले जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है। इनकी माताजी का नाम रामाजी मालोजी था, जो पिता थे इनके सखपाल पिता थे, और इनके बारे में अगर बात की जाए तो भीमा बाई इनकी मदर थी। इनकी बीवी का नाम, इनकी दो बीवियां हुई जिसमें से पहली बीवी जिनका नाम था रमाबाई अंबेडकर 1906 में पैदा हो करके 1935 में जिनका देहांत हो गया, और उसके बाद में सविता अंबेडकर जो कि एक डॉक्टर थी, डॉक्टर होने के साथ साथ इनकी काफ़ी अच्छी मित्र भी थी, जिनका देहांत जो हुआ 48 से लेके 56 में समाप्ति हो गई। ये 56 में समाप्ति वाली बात जो है ये कुछ लोगों के अनुसार 1956 में इनका देहांत माना जाता है और कुछ गणितज्ञ और किताबों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार सविता जी का जो अंत है वो 2003 में 92 साल की उम्र में माना जाता है। खैर आगे अगर पढ़ते हैं तो इनकी एजुकेशन की बात करते हैं। तो हमारे सामने एजुकेशन में इन्होंने हाई स्कूल किया, एल्फिस्टन यूनिवर्सिटी में बॉम्बे में एडमिशन लिया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, फिर स्कूल ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, उसके बाद इन्होंने बैरिस्टरी करी, इसके बीच में इन्होंने फाइनेंसेस पढ़े। फाइनेंसेस के अंदर इन्होंने दोस्तों इंडिया के रुपी यानी कि रुपए की गिरावट के कारण और रुपए के उत्थान के सभी चीजों का विवरण किया, थीसिस लिखे, जिसे आज भी हिंदुस्तान मानता है और फॉलो करता है। इनके एसोसिएशन की बात करें तो समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से इन्होंने एसोसिएशन बनाई, और इन एसोसिएशन के साथ मिलकर देश में इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करने के साथ साथ आज के दिन कई करोड़ लोगों को बराबरी का अधिकार दिला दिया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर ये हमेशा सही और बराबरी का साथ देते थे, जहां गलत हो उसका विरोध करते थे। रिलीजियन बिलीफ में सबसे पहली इनकी जन्म से लेकर 1950 तक की जो मान्यता थी वो हिंदुत्व के अंदर थी, और धीरे 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 मृत्यु के आसपास परिस्थिति में जब पहुंचने थे तो इन्होंने श्रीलंका में बुद्ध
टेररिज्म का एक सिनेरियो अटेंड किया, एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, यहां पर उनसे भी बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया। पब्लिकेशन इनके जो थे, वैसे तो काफी सारे पब्लिकेशन थे जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड भी बात करी, टचेबिलिटी की बात करी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे रिलेटेड काफी सारी चीजों की बात करी। इसके बाद वेटिंग फॉर अ वीजा इनकी बहुत पॉपुलर और रिनोन्ड किताब थी जिसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करी। 1956 में ये मर गए, इनकी मृत्यु हो गई 6 दिसंबर के अंदर। अब इस व्यक्ति ने इतने अवार्ड भी जीते, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय में जो कांग्रेस दल था वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को क्या करता था, अपने लोगों को, नामी गिरामी लोगों को ही सिर्फ क्या करता था, अवार्ड देता था। इस व्यक्ति के मरणोपरांत काफी लंबे अरसे के बाद इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इससे रिलेटेड आज हम सारी जानकारी लेंगे और हम पूना पैक्ट की भी जानकारी पढ़ेंगे। दोस्तों, पूना पैक्ट हो गया, इनके संविधान बनाने के अंदर किस प्रकार से इन्होंने इस कमिटी से रिजाइन किया, ये सभी जानकारियां हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करने से पहले, ये हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरिमोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमसे PDF के लिए बात कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और कॉल नंबर ये रहा। स्टेट PCS और UPPCS के एग्जाम के लिए, पेनड्राइव सिलेबस के लिए घर बैठकर तैयारी करने का बेस्ट ऑप्शन आपको हमारे पास मिल जाएगा। और इसके अलावा भी किसी प्रकार की एजुकेशन से संबंधित गाइडेंस हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, तो कुछ बेसिक पॉइंट से हम इनकी शुरुआत करते हैं और वे कहानियां भी बताएंगे जो इनके इतिहास से जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाद में लोग प्यार से बाबा साहेब कहने लग गए थे। बाबा साहेब या बाबा साहेब अंबेडकर एक जुरिस्ट थे, समाज में परिवर्तन करने वाले एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक पॉलिटिशियन थे। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पिता भी कहा जाता है। इस लाइन से मुझे एक बात याद आई कि वायसराय के टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, उस टाइम पीरियड में भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाते हुए, भारतीय संविधान का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजों के एक पर्सन थे जिनका नाम हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बारे में बोला गया था कि भारत में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, इतने ज्यादा विरोधाभास हैं, जो विंसन चर्चिल जी, नाम याद आ गया इन सब का, साहब का विंसन चर्चिल, ये चर्चिल साहब ने कहा था कि भारत में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, इतनी ज्यादा बेसिकली डिफरेंसेस हैं कि यहां पर अगर एक संविधान बन भी गया तो ये बनने के बाद भी भारत बहुत जल्दी टूट जाएगा, बिखर जाएगा और इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस बात पर जो आपने भीमराव अंबेडकर साहब ने जवाब नहीं दिया, करके दिखाया, और करके ऐसा दिखाया कि सन 2020 चल रहा है दोस्तों, संविधान 1950 में तैयार हो गया था और 2020 चल रहा है और आज तक हम सारे के सारे यूनाइटेड हैं। तो विंसन चर्चिल के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा और कोई नहीं हो सकता। अब इनके बारे में क्या कहा जाए, इन्होंने वे सभी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, विरोध करने के साथ साथ उन्हें हटाया, जिसके अंदर जाति प्रथा थी, जाति प्रथा के अंदर छुआछूत हो गया, कुएं से पानी ना लेना, बराबर बैठ के खाना ना खाना, इसके बाद शिक्षा प्रदान ना करना, इस प्रकार के सभी जितने भी घटिया जो हमारे देश की कमियां थी उनको दूर किया। एक डॉक्टर बनकर इन्होंने इस बीमार देश का इलाज किया है दोस्तों। इन्होंने हर उस अधिकार के लिए लड़ाई करी जिसके अंदर कोई भी वर्ग वंचित था, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सोशली बैकवर्ड क्लास हो, कोई भी हो। इनके बारे में कहा जाता है कि अंबेडकर को पहला लॉ मिनिस्टर जो था जवाहरलाल नेहरू के दबाव से बनाया गया, और इनके मृत्यु उपरांत जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो 1990 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया। अगर इनकी मृत्यु के बाद अवार्ड दिया तो सोचिए हमारे देश के अंदर कुछ लोग सो जाते हैं और असली जो भारत के रत्न हैं उनको अवार्ड देने में करीबन 45 साल का समय निकाल देते हैं। तो यहां पर हमारा इतिहास शुरू करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब का। इस फोटो को देखकर समझ जाइए, ये अंदर जो पढ़ रहे हैं ये वे विद्यार्थी हैं जो उच्च जाति के विद्यार्थी थे, लेकिन बाहर जो साहब बैठे हैं कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दलित परिवार का विद्यार्थी है। उस समय के अंदर
सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि दलितों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, और अगर शिक्षा प्रदान की भी जाती थी तो वो स्कूल के बाहर या क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ते थे, उनकी छाया भी किसी भी प्रकार से नहीं पढ़नी चाहिए थी, ऐसा माना जाता था। तो इस प्रकार का इनका अर्ली जीवन रहा जिसके अंदर इन्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो शुरुआत करते हैं भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में। हम आपको बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ, पिता जो थे सूबेदार थे, और सूबेदार होने के बाद 1894 में रिटायर हो गए और सतारा की तरफ मूव हो गए। भीमराव साहब अपने परिवार में पैदा होने वाले 14 बच्चों के अंदर आखिरी पुत्र थे। इससे संबंधित एक बहुत अच्छा इंसिडेंट ये भी समझ लीजिए इस लाइन से रिलेटेड, 1891 में जन्म हुआ और 1894 में 3 साल बाद पिता रिटायर हो जाते हैं, और 14 बच्चों में आखिरी बच्चे, क्या वजह होती थी कि इतने ज्यादा बच्चे होते थे? तो सबसे पहली वजह क्या थी कि भीमराव अंबेडकर साहब के जितने भी भाई बहन थे वो मेडिकल फैसिलिटीज के ना होने की वजह से, प्लस छुआछूत की समस्या होने की वजह से डॉक्टर जो थे वो बच्चे को ढंग से ट्रीट नहीं करते थे, दूर से देखते थे, हाथ नहीं लगाते थे, और बच्चे का ढंग से इलाज नहीं होता। तो इस परिस्थिति के अंदर इनके 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई और भीमराव को मिलाकर हटाकर 5 बच्चे यानी 6 बच्चे टोटल बाकी रह गए थे। अब आगे अगर बात करें तो भीमराव के पिता जो थे रिटायर हो गए, माता रिटायरमेंट के तुरंत कुछ समय बाद क्या हो गई, उनका बाईपास हो गया, मतलब वो पास हो गए, निकल गए। उनके पिता ने रीमैरिज करी और फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हो गई। 1906 में 15 साल की उम्र में भीमराव का विवाह, इन्फेंट यानी कि एक तरीके से बच्चा था उस परिस्थिति में, भीमराव का विवाह हुआ रमाबाई से। रमाबाई 9 साल की थी जब इनसे इनका विवाह हुआ, और उनके पिता रामजी सकपाल डाइड हुए बॉम्बे में 1912 के अंदर। अब बात आती है कि बचपन से ही अंबेडकर को बहुत ज्यादा जातिवाद का फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा। कैसे? अब हर जगह छुआछूत चलती थी, अपर क्लास के बच्चों को वैल्यू दिया जाता था। तो हुआ क्या कि जब एक बार की बात है कि अंबेडकर साहब अपने घर के बाहर बैठे थे, पिता साथ में कुर्सी पे बैठे थे, सामने से बच्चे स्कूल की तरफ, अपर क्लास के बच्चे बस्ता टांग कर स्कूल की तरफ जाते थे। अब स्कूल की तरफ जब बस्ता टांग कर जा रहे थे तो होता क्या था कि अंबेडकर साहब बड़ा मन करता था उनका स्कूल जाने का, और उसके लिए अपने पिता पर बार बार दबाव बनाते थे कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मेरा स्कूल में दाखिला कराओ। पिता जानते थे कि इतनी परिस्थितियों के अंदर, भेदभाव वाली परिस्थिति के अंदर, इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन भीमराव साहब बचपन से हटी थे, दृढ़ निश्चय कर लिया था स्कूल जाना है। पिता को हारना पड़ा बच्चे की जिद के आगे, और ब्रिटिश शासन के अंदर जो उन्होंने अपनी नौकरी का इतना लंबा समय बिताया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाकर मदद मांगी जाए अपने अफसरों से मदद मांगी जाए, क्या पता बच्चे का स्कूल में क्या एडमिशन हो जाए। उसके पिता जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफसरों से मिलने के लिए, उच्च आला अधिकारियों से मिलने जाते हैं। जब उच्च आला अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि मैंने किस प्रकार अपने जीवन का लंबा समय यहां पर नौकरी में बिताया है, ईमानदारी से बिताया है, और ईमानदारी के बाद आज मेरे ही बच्चों का अगर विद्यालय के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता तो यह एक बहुत बड़ा भेदभाव होगा, आप कृपया करके मेरे बच्चों का एडमिशन कराइए। इनकी इस बात से अंग्रेजी शासन के वे आला अधिकारी जो थे, मन बिल्कुल पिघल गया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब का स्कूल में एडमिशन कराया, और एडमिशन कराने के बाद उन्हें फर्दर स्टडीज के लिए आगे प्रेरित किया। तो दोस्तों ये देखिए, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के उस समय में स्कूल में एडमिशन भी नहीं होते थे, और एडमिशन होने के बाद भी इस फोटो से पता चल रहा होगा टीचर अंदर पढ़ाता था, बच्चा बाहर बैठा रहता था, कभी ध्यान नहीं दिया जाता था कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। खैर आगे की कहानी पढ़ते हैं, हालात ऐसे ही चल रहे थे पूरे देश के अंदर। तो जब ये था कि उन्हें पता था कि ऐसा भेदभाव होगा, टीचर भी थे जो लोअर क्लास के बच्चों को ध्यान नहीं देते थे और अपर क्लास के जो बच्चे थे उनको ध्यान दिया जाता था,
अनटचेबिलिटी जो थी विद्यार्थियों में इतनी ज्यादा थी कि अगर रखे हुए खाने के डब्बे पे किसी भी अगर ऐसे दलित की परछावा भी पड़ जाता था तो उसके लिए भी इन बच्चों को मार पड़ती थी, आपस में परेशान किया जाता था। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर एक बहुत अच्छी और भी कहानी है भाई, क्या कि एक बार जब स्कूल के अंदर बैठे थे, बहुत बच्चे हो गए दलितों के, जब भीमराव अम्बेडकर साहब को देखते देखते तो इनको प्यास लगी तो गए पानी मांगने। तो वहां पर क्या था कि जो जो इनका पीएन होता था, पीएन यानी चपरासी होता था, वो पानी ऊपर से लोटे में भर के डालता था और इन्हें हाथों को जोड़कर ओक से पीना पड़ता था। ओक समझते हैं, हाथों की मदद से पानी को रोकना और उसको पीना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता था, उन्हें लोटा छूने का या कुएं तालाब को छूने का आदेश नहीं था, इनके पास परमिशन नहीं थी, इतना भेदभाव चलता था। तो हुआ क्या कि एक बार पानी के लिए गए और पीएन जो साहब थे वो छुट्टी पर थे। अब पीएन साहब छुट्टी पर थे तो पानी की इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी कि अब पीएन तो था नहीं, इन्होंने नजरें बचाते हुए कुएं की रस्सी और बाल्टी ली, पानी निकाला और पी लिया। ऐसा बच्चों ने देख लिया, कंप्लेन कर दी और कंप्लेन हुई ना हुई इनको चप्पल जूतों से बहुत पीटा गया, इतना ज्यादा पीटा गया कि इनके दिमाग में छुआछूत नाम के शब्द से नफरत हुई। इनको इंसानों से कभी नफरत नहीं हुई, इनको उस भेदभाव से नफरत हुई जो उनके दिमाग में भर रखा था। और ये जानते थे कि भेदभाव खत्म करके ही लड़ाई जीती जा सकती है, तब से इनके दिमाग में बहुत ज्यादा जो था डिस्प्यूट चल रहा था। अब क्या हुआ, सतारा शिफ्ट हुए, यहाँ के लोकल स्कूल में इन्हें एडमिशन दिला दिया। और जब वापस आए स्कूल से अंबेडकर साहब, तो अंबेडकर साहब जब वापस आए यूएस से, तो यूएस यानी कि आगे का सेक्शन चला गया। इस बीच में इन्होंने पहले बंबई से पढ़ाई पूरी करी, सतारा से पढ़ाई करी, फिर बंबई गए, बंबई के बाद यूएस भेजे गए। यूएस भेजने के अंदर जो वहां के राजा थे, बड़ौदा, जो आज के दिन वडोदरा है, वहां के राजा ने चार बच्चों को उठाकर स्कूल भेजना था यूएस की पढ़ाई करने के लिए। इस कहानी को समझना है, राजा वडोदरा के राजा ने सोचा कि भाई चार बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजा जाए। भीमराव साहब ने बात सुन ली, पता चल गया, गए सीधा राजा के पास पूरी हिम्मत के साथ और राजा को अपना टैलेंट दिखाया। राजा ने इनसे बात करी, तब इन्होंने हर बात का जवाब कॉन्फिडेंस से, बुद्धिमानी के साथ अंग्रेजी भाषा में दिया और अपनी बुद्धिमत्ता का वो प्रयोग किया, बुद्धिमत्ता दर्शाई। इस परिस्थिति से खुश होकर उस समय के जो महाराज थे, उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति पर, अपने दम पर इनको विद्या के लिए यूएस भेजा और पढ़ाई करने के लिए वहां पर चले गए। यूएस में पढ़ाई पूरी करी, चार साल बाद 1922 में वापस आए और वापस आने के बाद इन्हें यहां पर डिफेंस का यानी उनकी मिलिट्री का सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन यहां पर भी अनटचेबिलिटी थी दोस्तों, यहां पर भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था, यहां पर भी जो सैनिक थे अपर कास्ट के वो इनका कहना नहीं मानते थे क्योंकि भाई इन्हें दलित बोला जाता था, अछूत माना जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें फिर नाराजगी हुई और फिर से ये पढ़ाई करने के लिए आगे निकल गए। फिर आगे पढ़ाई करने निकल गए लंदन अपनी बैरिस्ट्री के लिए। तो चलिए अब पढ़ाई की बात आती है, तो जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी। अब अंबेडकर साहब की जीवन की जो व्यथा है वो बहुत खतरनाक और दुखदायी थी कि परिस्थितियों के विपरीत व्यक्ति ने हार नहीं मानी, लड़ना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा और ऐसे अपने आप को परिवर्तित करके दिखा दिया कि इन्हीं के दम पर आज पूरा हिंदुस्तान बराबरी की सांस ले रहा है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बचा। इन्होंने 1908 में अपनी वहीं पर बंबई से अपनी एल्फिंस्टन स्कूल से पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद यहां से इन्होंने डिग्री हासिल करी। डिग्री हासिल करने के बाद 1912 में यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। इसको पढ़ने के बाद स्कॉलरशिप के 25 रुपए मिलते थे, 25 रुपए मिले शाहजी राव की सहायता से, 25 रुपए मिलते थे स्कॉलरशिप के,
सोचा आगे पढ़ाई करते हैं, रुकना नहीं, थकना नहीं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर गए और वहां से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करी। 15 के अंदर इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, थीसिस लिखे एंशियंट इंडियन कॉमर्स पर। इसी समय के अंदर इन्होंने हिंदुस्तान के रुपी को डिफाइन करने की ठानी और 1916 में लंदन स्कूल जो इकोनॉमिक्स था उसे ज्वाइन किया, वहां पे काम करना शुरू किया, थीसिस लिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेख दोस्तों, आज भी मनमोहन सिंह जी इस बात को अपनी लाइनों में बोलते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी किताबों में लिखा, आज उसी चीज का हवाला लेकर हिंदुस्तान के रुपए की परिस्थिति को सुधारा जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ द रुपी ये उनकी उस समय की ओरिजिन था और सॉल्यूशन इन्होंने किताब लिखी। हेल्प से, मदद से वहां पर ये क्या हुए, वहां पर पढ़ाने के लिए प्रोफेसरशिप के लिए आए। प्रोफेसरशिप के लिए इन्होंने पढ़ाया, काफी मेहनत करी और 1920 में, 4 साल पढ़ाने के बाद 1920 में यहां से भी छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। वहां की बॉन यूनिवर्सिटी गए जर्मनी में और जर्मनी में क्या किया, स्टडी करी, पीएचडी डिग्री हासिल करी और 1927 में अवार्ड मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का। और फाइनली अब इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला जाने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति, दोस्तों किसी ने वैसे बहुत सही कहा है, एक बहुत बड़े गुरुजन थे, उन्होंने कहा ऐसे ही पूछा एक विद्यार्थी ने, सर डॉक्टर क्यों लगाया गया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर क्योंकि इन्होंने पीएचडी करा, बच्चे को समझ नहीं आया। डॉक्टर कहते हैं फिर पीएचडी करने से डॉक्टर का क्या कनेक्शन है, ये किसी का इलाज तो नहीं करते। तो इलाज इन्होंने किया, भारत के उस बीमार हिस्से का इलाज किया जो आपस की दूरी बढ़ाता था, तो इनके नाम के साथ में डॉक्टर लगना जरूरी था। ऐसा उन्होंने बच्चे को समझाने के लिए बोला और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर को प्रूव किया और हर उस बीमार वर्ग का इलाज किया। अब आती है बात इनके जो मूवमेंट से एजुकेशन हो गई, मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो मूवमेंट यानी आंदोलन किए किसी भी प्रकार के जो भेदभाव के थे, हिंदुस्तान वापस आए, लड़ाई शुरू करी, जो प्लेग की तरह फैली हुई थी दिमागों के अंदर लोगों की सोच में, उसके खिलाफ तैयारी करी, कमिटी बनाई, प्रिपरेशन की और एक्ट 1919। अंबेडकर ने अपनी ओपिनियन रखी कि यहां पर पूना पैक्ट की बात हो रही है, अंबेडकर ने अपनी एक बात रखी, क्या बात रखी, कि दलितों को बराबर का अधिकार दिया जाए या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दलित वोट जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला उसको सीट के लिए टिकट दिया जाए या उसे परमिशन दी जाए ताकि वो भी बराबरी के अधिकार ले सके और इन दलितों की बात सरकार के आगे रख सके। और इस आइडिया के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड करी, रिजर्वेशन की डिमांड करी, अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच के अंदर अंबेडकर ने काफी सारे रास्ते निकाले इन कमियों को दूर करने के लिए। उन्होंने मूक नायक नाम का अखबार निकाला जिसके अंदर इन्होंने अपने व्यूज, अपने दिमाग की सोच को निकाल कर रख दिया, जो बढ़ता बढ़ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। और वहां पर इनकी सपोर्ट के लिए महाराज ऑफ कोल्हापुर हमेशा सदैव तैयार खड़े रहते थे। तो दोस्तों इन्होंने मेहनत बहुत किया, मेहनत करने के साथ साथ इन्हें सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला बड़े बड़े राजाओं का, इनकी बुद्धिमानी को देखकर उन्होंने कभी भी इनको छोड़ा नहीं। और अब सबसे बड़ी चीज, नहीं छोड़ा और आगे परिवर्तन को देखा। अब अगर बात करें तो इन्होंने अपना जो एजुकेशन के साथ साथ लीगल करियर था वो बार काउंसिल से स्टार्ट किया, बार कोर्स इन ग्रे इनसे किया, अपनी स्टार्टिंग की एडवोकेटिंग केसेस के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फोकस किया और विक्ट्री प्राप्त करी कई जगह पर डिफेंड करने में बहुत सारे लोगों के अपोज में। जहां पर भी अपर और लोअर क्लास की बैटल होती थी वहां पर ये हमेशा अगेंस्ट होते थे और जीतते थे। 1927 में अंबेडकर ने फुल फ्लेज पर दलित राइट के लिए मूवमेंट्स की स्टार्ट करी। इसमें इनकी डिमांड क्या थी कि पब्लिक को पीने का पानी
पूरा पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, इन्हें मंदिरों में आने दिया जाए, इन्हें स्कूलों में जाने दिया जाए, बराबर पढ़ाई की जाए, वही सारा ट्रीटमेंट मिले जो इनको बाकी अपर क्लास को मिलता है। धीरे धीरे लड़ाई चली, बड़ी बढ़ने के बाद मैक्सिमम जगह, ज्यादातर जगह जिस फील्ड में घुसे वहीं पर जीतते चले गए, जिस भी फील्ड में घुसे, ऐसी एक भी फील्ड नहीं जहां पर अंबेडकर साहब ने पीछे मुड़कर देखा हो। अब इस बीच में जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब बात आती है ये 1927 की पानी पीने वाली। इसी बीच में क्या हुआ, इससे रिलेटेड एक वाक्या याद आ गया दोस्तों। एक बार जब स्कूल में पढ़ रहे थे और इनकी पिटाई भी पानी पीने के नाम पर, बॉम्बे के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में एक बार क्या हुआ, इनको बड़ा दुख लगा, इनका मन पढ़ाई से हटने लग गया। इन्होंने सोचा कि यार पिता की हालात खराब है, घर में पैसे की तंगी है, मजबूरी है, और इनका खुद का परिवार भी बढ़ने लग गया था भाई, तो उस परिस्थिति में सोचा कि पैसे लेकर बंबई जाऊंगा, फैक्ट्री में काम करूंगा, पैसा कमाकर घर पर दूंगा, पैसा कमाकर घर पर तो तभी देंगे जब बंबई जाएंगे। सबसे बड़ी बात, बंबई जाने के लिए पैसा चाहिए। सोचा कि भाई मासी है, आंटी है, चोरी कर लेता हूं इनके पर्स से, कहीं ना कहीं भविष्य बनाने के लिए, उठाने के लिए, क्या पैसा आज लूंगा तो कल कमा कर दे दूंगा। धीरे धीरे क्या हुआ, 4 दिन लग गए, जो मासी आंटी थी वो अपनी कमर से अपने पर्स को बांध कर रखती थी, 4 दिन लगे। जब 4 दिन के बाद 5वें दिन पर्स चोरी किया, खोल कर देखा तो आंखों में आंसू आ गए, उसमें मात्र 4 आने थे, सिर्फ 4 आने, जिसमें अपने परिवार को और बच्चों को चलाना खिलाना पिलाना था। इस वाक्य से वो इतने ज्यादा टूट गए दोस्तों, कि उन्होंने इस बात पर प्रण ले लिया, ठान लिया कि आगे पढ़ाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन अपनाना भी सही नहीं होगा। इसी परिस्थिति में जब धीरे धीरे आगे बढ़े, तो जीवन की खुद की जो घटनाएं थी, उन्होंने उनका, भीमराव का कभी पीछा नहीं छोड़ा। 1932 में पूना पैक्ट की बात आई, पूना पैक्ट के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा जो था अगेंस्ट खड़े हुए थे कि रिजर्वेशन दिया जाए सीट्स के अंदर, उन सीट्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए जहां जहां से इलेक्शन हो रहे हैं, और जहां जहां इलेक्शन होने हैं या जहां जहां भी सीट्स में रिजर्वेशन चाहिए वहां पर एक दलित को खड़ा किया जाए ताकि बराबरी का अधिकार हो। इस परिस्थिति के अंदर जब ये जो पूना पैक्ट था काफी बूम पर था, इस परिस्थिति में क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर की बातों से उस समय में महात्मा गांधी बहुत आघात हुए भाई, इतने आघात हुए कि उन्होंने कहा कि इस प्रकार से तो देश का हिंदू बट जाएगा, और देश का हिंदू अगर बट गया तो आपस में ही लड़ मर कर ये खत्म हो जाएंगे, फिर कहां ये देश के साथ लड़ेंगे भाई, देश के अंदर आपस में मिलकर दूसरे से लड़ेंगे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, भीमराव अम्बेडकर साहब को समझाया, और समझाने के बाद में दोस्तों भीमराव अंबेडकर को गांधी ने तब तक आपस में नहीं मान गए, गांधी ने भूख हड़ताल करी, अनशन किया। अंबेडकर साहब को अपनी बात समझ में आई कि भाई ये रास्ता गलत है, तो उन्होंने क्या किया, गांधी की बात से प्रेरित होकर पूना पैक्ट जो था उसको वापस ले लिया। कुछ लोगों ने इस परिस्थिति में खूब जमकर विरोध किया अंबेडकर साहब का कि गलत किया तुमने, लेकिन उस समय में परिस्थिति बहुत नाजुक थी, देश में आपस में विरोध और दंगे होने के आसार थे, आधा जो सेक्शन था जो दलितों का था, जिन्हें गांधी जी ने प्यार से हरिजन कहकर पुकारा था, वो लोग अलग खड़े थे और दूसरी अपर कास्ट अलग खड़ी थी, जो मुंह खोल कर इंतजार कर रहे थे कि कब विरोध हो और कब दंगे बढ़ गए। बहुत बुद्धिमानी के साथ इस दंगे को, पूना पैक्ट को दोनों ने समझा और अंबेडकर साहब ने वापस ले लिया।
फिर धीरे धीरे समय बदला, 4 साल बाद पॉलिटिकल करियर की बात आई। पॉलिटिकल करियर में इन्होंने अपनी एक लेबर पार्टी बनाई, 1937 में इलेक्शन लड़े गए और इसमें से 15 सीटें प्राप्त करी। 15 सीटें प्राप्त करने के बाद इनका ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, जिसके अंदर फिर से इलेक्शन हुए और पुअरली परफॉर्म किया गया और इनको बढ़ोतरी नहीं मिली 1946 के अंदर। धीरे 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 डिसीजंस बदलते चले गए, समय बदलता चला गया, लोगों में भेदभाव की भावना कम होने लगी और जो अपने अंबेडकर साहब थे वो अपनी बातों से कभी पीछे नहीं हटे और हर परिस्थिति में मजदूर संघ, दलित संघ और जो भी बैकवर्ड क्लास था उसको साथ लेकर चले। समय बदला, आगे बढ़े, जवाहरलाल नेहरू ने आजाद हिंदुस्तान का लॉ मिनिस्टर इनको बना दिया। जब लॉ मिनिस्टर बनाया तो लॉ मिनिस्टर बनाने के बाद देश के संविधान का गठन करने का इनको एक नायक बनाया, एक प्रेरणा ली कि आप इस देश के संविधान को बनाइए। अब बात आ जाती है संविधान की, तो संविधान की जब बात आती है तो इन्होंने पूरे देश के संविधान को बनाया। 1947 में आजादी मिली, 29 अगस्त को गठन हुआ और गठन के बाद 1950 के अंदर इसे लागू किया गया। मात्र 3 साल के अंदर इन्होंने हर उस डिफरेंस को खत्म कर दिया। धर्म का, जात का, किसी भी तरीके का भेदभाव था वो समाप्त कर दिया और अपने दम पर जो इन्होंने संविधान बनाया उसके अंदर प्रत्येक प्रकार की समानता दी और इसके अंदर जो भी सेक्शन रिकवर्ड होने से पीछे था उन सभी को संविधान के आधार पर 10 साल के ट्रायल टेस्ट पर रिजर्वेशन रखा। दोस्तों 10 साल के ट्रायल टेस्ट पर रिजर्वेशन रखा और पूरी हिम्मत के साथ एक बात बोली, यदि इस 10 साल में उत्थान नहीं हुआ देश के दलितों का तो इसे अगले 10 साल के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा। और आज इसकी बनाई हुई मुहिम की वजह से धीरे 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 धीरे, हालांकि रिजर्वेशन अभी भी है और भी कई एरियाज के अंदर दलितों की परिस्थिति बहुत बुरी है और बुरी होने के बावजूद सरकार इसे खत्म नहीं कर पा रही क्योंकि उन सभी का बराबर विकास, बराबर उत्थान जरूरी है। कुछ लोग इस पर नाराज होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इतिहास में सच्चाई को बदला नहीं जा सकता, उन परिस्थितियों को बदला या दबाव देके हटाया नहीं जा सकता। अब आगे बात करें तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ नियम बनाए, नियम बनाने के अंदर अंदर इन्होंने काफी सारी गलत बातें भी जो थी हमारे संविधान में, उस समय में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने आजाद किया तो उन रियासतों को भी अलग अलग अधिकार देने की सोच ली कि भाई जिसको जैसे पकड़ा था, जैसे जीता था उसी परिस्थिति में उनको आजादी देंगे। उस परिस्थिति के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान बनाया जा रहा था, आर्टिकल 370, जिसके अंदर विशेष अधिकार दिए जा रहे थे। अब जब विशेष अधिकार दिए जा रहे थे तो अंबेडकर साहब ने क्लियर इस बात का विरोध किया कि भारत के साथ जुड़ना है, खाना इधर से ही चाहिए, बॉर्डर की सुरक्षा चाहिए, पूरे राज्य का निर्माण भारत से चाहिए, तो किस बात का अलग राज्य चाहिए, किस बात की तुम्हें अलग से अधिकार चाहिए। इस बात के लिए खूब अड़ गए, बहुत बुरी तरह जो था शेख अब्दुल्ला के सामने अपने अंबेडकर साहब ने जमकर विरोध किया। अब जब जमकर विरोध किया और देखा शेख अब्दुल्ला साहब ने कि भाई अंबेडकर साहब को बातों में बेवकूफ नहीं बना सकते, फिर गए दोबारा वापस, दोबारा गए कांग्रेस सरकार के पास। कांग्रेस सरकार के पास गए और जाने के बाद नेहरू से रिक्वेस्ट करवाई और नेहरू से रिक्वेस्ट करने के बाद परिस्थितियों और हालात को देखने के बाद सभी राज्यों को जोड़ना और उनकी परिस्थितियों के आधार पर मानना उस समय में नेहरू की मजबूरी थी और किसी भी प्रकार का कठोर नियम लागू नहीं कर सकते थे। इस वजह से नेहरू ने स्पेशली क्या करवाया, नेहरू ने स्पेशल आर्टिकल लगवाया और आर्टिकल लगवाकर जम्मू कश्मीर को अलग से एक राइट दे दिया और राइट देने के बाद इसको एक स्पेशल स्टेट
ट्वीट कर दिया। हालांकि अब थोड़े समय पहले पिछले साल आर्टिकल 317 को प्रेजेंट मौजूदा सरकार ने हटा दिया, प्रेजेंट मौजूदा सरकार ने हटा दिया और किसी भी प्रकार के स्पेशल अधिकार को नहीं दिया। जब बराबरी है तो देश के अंदर रहने वाले सभी के लिए बराबरी है, ये इनका मानना था। अब आगे बढ़े तो आर्टिकल के ऊपर एक बार क्या हुआ, डिस्कशन हो रहा था, क्वेश्चनिंग हो रही थी, क्रॉस क्वेश्चन हो रहा था, बातचीत हो रही थी, तो अंबेडकर साहब ने आर्टिकल के 370 के नाम पर इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कि मैं इस उत्तर पर मौजूदा सरकार की बुराई नहीं कर सकता और मौजूदा सरकार की परिस्थितियों को समझा नहीं सकता, तो मैं इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसी मानसिकता थी कि अगर बनता तो उसी समय बनता, बाद में इन्होंने कोई बहस नहीं किया। सेम ऐसे ही उसी समय के अंदर दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब था कि देश में रहने वाले सभी को एक ही अधिकार देना है, किसी को अलग अधिकार नहीं देने हैं, किसी को अलग राज्य नहीं देना, धर्म के आधार पर बांटना नहीं है। इस पर इन्होंने सवाल भी पूछा था कि अगर हम अलग अधिकार दे रहे हैं तो स्वतंत्रता किस बात की है, हम किस चीज की स्वतंत्रता लेकर बैठे हैं जब उनको अलग अलग प्रकार के अधिकार दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। हिंदू लॉ अलग बनेगा, दलित लॉ अलग बनेगा, मुस्लिम लॉ अलग बनेगा। इस परिस्थिति पर भी जमकर विरोध किया गया, जमकर विरोध किया गया, लेकिन परिस्थितियां बदलने लग गई थी, परिस्थितियां बदलने लग गई थी। इनके सामने फिर पूरा का पूरा समाज था और वे भी सैकड़ों असंख्यक मुस्लिम थे जो अभी बंटवारे के बाद की मार झेल रहे थे, झगड़े झेल रहे थे। उस बात से नाराज होकर 1951 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद अपनी खुद की फिर इन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद में फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में इस बार ये बहुत आराम से हार गए क्योंकि जीतने वाला चंद वोट ज्यादा था। इनके पास 1,23,576 वोट थे और जीतने के वाले के पास 1,38,137 वोट थे। गैप ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उसे अपर हाउस में अपॉइंट कर दिया गया और तब तक रहे इन्हें जबकि राज्यसभा मिली और तब तक रहे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। अब आ जाती है बात इकोनॉमिक प्लानिंग की। दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं अंबेडकर साहब ने काफी जबरदस्त पढ़ाई कर रखी थी। एजुकेशन के अंदर इकोनॉमिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा। इन्होंने रुपए के बारे में भी पढ़ा, रुपए की स्टेबिलिटी से भी बारे में पढ़ा और किस प्रकार से फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करना था, किस प्रकार से देश के फाइनेंसेस को मैनेज करना था, इस पर इन्होंने काफी स्ट्रेस दिया। अंबेडकर जो थे पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने अब्रॉड जाकर डॉक्टरेट करा था इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स के अंदर। इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि किस प्रकार से औद्योगिकरण और किस प्रकार से एग्रीकल्चर की ग्रोथ से देश की इकोनॉमी एनहेंस होगी। इन्होंने पहली बार दबाव देकर सरकार से इन्वेस्टमेंट कराई थी एग्रीकल्चर के अंदर। अब प्रेजेंट मौजूदा हालात के अंदर शरद पवार इनके विजन को देख के बहुत अचंभित थे। इन्होंने विजन रखा कि गवर्नमेंट को यदि कुछ प्राप्त करना है तो अपना फूड सिक्योरिटी गोल सबसे पहले रखो, विदेशों पर आश्रित मत रहो। अंबेडकर ने एडवोकेट किया था कि नेशनल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट सभी चीजें तभी हो पाएंगी जब एजुकेशन पर्याप्त होगा, पब्लिक हाइजीन होगा, कम्युनिटी की हेल्थ होगी और सबको बराबर बढ़िया रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होंगी और सभी प्रकार की बेसिक जरूरतें मिलेंगी। जिस दिन लोग भूख से मरने बंद हो जाएंगे समझ लेना देश तरक्की पर है, जिस दिन लोग सारे बराबर बैठकर खाना शुरू कर देंगे उस दिन तरक्की पर है, जिस दिन सभी लोग बराबर का इलाज प्राप्त करेंगे उस दिन देश तरक्की पर है। और यही चीज उन्होंने प्रूव करी और इन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी पर भी काफी मेहनत करी कि किस प्रकार से महंगाई दर रुका रहे। इसी बीच में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर पर भी जो पड़ने वाले रेट के इफेक्ट्स हैं उन पर भी स्टडी किया और काफी कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि उससे कितना नुकसान होता है
अपने देश के अंदर। 1951 में इन्होंने फाइनेंस कमीशन का गठन किया और अपोज किया कि लो इनकम ग्रुप पर किस प्रकार से कितना टैक्स लगाना है और किस प्रकार से अपर क्लास पर टैक्स लगाना है। इनकी इन्हीं बातों से प्रेरित होकर आजकल का टैक्स स्लैब्स बनता है, याद रखिएगा। इन्होंने फ्री इकोनॉमी की बात करी थी, इन्होंने स्टेबल रुपी की बात करी थी कि पैसा करेंसी स्टेबल हो, बार बार मुद्रा इतनी ना गिरे कि देश में रुपए की कीमत विदेशों के सामने गिरती चली जाए और बदले में हमें कुछ ना मिले एक समय आने पर। इन्होंने बर्थ कंट्रोल पर भी एडवोकेट किया और बहुत सारी जगह फैमिली प्लानिंग्स और इक्वल राइट्स पर भी, महिलाओं को काम करने के राइट्स पर भी दबाव डाला। तो इस प्रकार का विजन था, इतने ज्यादा दूरदर्शी थे कि इन्होंने कभी भी किसी प्रकार के अलगाववाद, भेदभाव, इस तरीके की चीजों को प्रेरणा नहीं दी। अब 1950 में, इससे भी पहले एक और अच्छा सा पॉइंट याद आया दोस्तों, क्या हुआ कि 1935 में इनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी। 1940 की बात बताते हैं, 1940 की बात क्या थी कि जो अपने अंबेडकर साहब थे, काफी मेहनत करते थे, काफी पढ़ाई करते थे, किताबें लिखते थे, तो कुर्सी पे बैठे बैठे इनकी कमर में, पैरों में दर्द रहने लग गया। चेकअप कराया तो पता चला कि वो न्यूरोफेटिक पेन है, जिसमें दर्द का आभास अगर शरीर में नहीं भी है तो वो दिमाग की तंत्रिका रोग से है। इस परिस्थिति में डिप्रेशन आने लग गया था, जिसके लिए वो इंसुलिन के खुद को इंजेक्शन लगाते थे। एक तरफ इनकी हालात ऐसी थी, अकेले पड़ गए थे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते थे दोस्तों, और बीमार चल रहे थे, दवाइयां खा रहे थे होम्योपैथिक की। बॉम्बे गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो डॉक्टर महासाब ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला कि आपकी ज्यादा बीमारी जो चल रही है वो शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी है, अकेलेपन की वजह से। आप अपने साथ एक ऐसे विवाह या ऐसे व्यक्ति को जोड़िए जो आपके साथ रहे, खाना बनाए आपके लिए, आपका साथ दे, ध्यान रखे, सेहत का ख्याल रखे, आपको कुछ नहीं होगा। इस बात से प्रेरित होकर थोड़े ही समय बाद क्या हुआ, 1943 को सविता नाम की जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रही थी, उसी डॉक्टर से इन्हें प्रेम हो गया और उन्हीं से इनका विवाह हो गया। विवाह इनका अपने घर पर दिल्ली बेस में हुआ, दिल्ली में जो इनका मकान था वहां पर इनका विवाह हुआ। डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखा, केयर किया, इतना केयर किया कि बाहर ये सामाजिक लड़ाइयों में लड़ने के लिए और सशक्त हो गए और घर की परेशानियों के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं थे। 1943 में विवाह हुआ और 93 साल की उम्र में सविता अंबेडकर जी का देहांत हुआ। तो इतना जितना भी समय इन्होंने इनके साथ बिताया, उस परिस्थिति में इन्होंने अंबेडकर साहब को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अंबेडकर साहब जो थे, धीरे एक बार श्रीलंका गए 1950 में, समय बदल रहा था, उम्र बढ़ रही थी, 1950 के अंदर गए श्रीलंका, और श्रीलंका गए तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का कन्वेंशन इन्होंने अटेंड किया। कन्वेंशन अटेंड किया तब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यदि दलितों को बराबर के अधिकार नहीं मिलते तो इन्हें धर्म परिवर्तन करा दो और बुद्धिज्म के अंदर इनको ले चलो। लोग इनसे इतने प्रभावित थे कि जब भारत में इनकी भारतीय बुद्धा महासभा हुई 1955 के अंदर भाइयों, तो क्या हुआ कि 1955 के अंदर एक बार में इनके कहने पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, और इसे आगे अपने जीवन में चलाया। 1956 के अंदर की बात है दोस्तों, क्या हुआ, अक्टूबर 1956 में एक पब्लिक सेरेमनी के अंदर इन्होंने बोला था और 5 लाख लोग आ गए, तो इस बीच में उन्होंने अपनी फाइनल जो मनुस्क्रिप्ट लिखी थी उसमें बुद्धा और द कार्ल मार्क्स पर एक लेख भी लिखा था। अब समय आ गया था इनका करीब दोस्तों, समय परिवर्तन ले रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, डायबिटीज बढ़ती जा रही थी, पढ़ पढ़ के इतना ज्यादा अपनी आंखें कमजोर कर ली कि
कि दिखना कम हो गया। 6 दिसंबर 1956 को इनकी तबीयत खराब हुई और दिल्ली पर ही घर पर मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले इन्होंने अपने लिए, दोस्तों इतना तगड़ा विजन था कि मरने से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे देहांत के बाद मेरा सारा कार्यक्रम, जो क्रियाक्रम कहलाता है, वो बौद्ध धर्म के अनुसार होगा। तभी उन्हें दफनाया गया था दोस्तों। क्रीमेशन हुआ बुद्धिस्ट स्टाइल के अंदर, वही क्रीमेशन हुआ जो बुद्धिस्टों के तरीकों से होता है। तो इस प्रकार के महान जीव, एक हीरोइक जीव के लिए आपसे आशा करता हूं दोस्तों, कोई भी फालतू का कमेंट मत कीजिएगा दोस्तों। जिस हीरो ने समाज के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया, उसके लिए वाहियात कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके शेयर करने के तरीके से दोस्तों बहुत मनोबल मिलता है, मनोबल मजबूत होता है और हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके सामने लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।